कोरबा जिले में शादी समारोह से वापस लौट रहे यात्रियों से भरी एक टाटा एस अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन पर 20 लोग सवार थे। इस हादसे में बच्चे समेत एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दो महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही। हादसा कटघोरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर आछी दादर के पास हुआ। धमतरी में छात्रा साइकिल से संबलपुर जा रही थी, तभी एक तेज रफ्तार यात्री बस ने छात्रा को टक्कर मार दी। बस की ठोकर से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने सड़क जाम कर दिया। बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में तीसरी कक्षा की मासूम के साथ बुआ का कहर देखने को मिला है। मासूम के शरीर पर कई जगह चोट और जलाने के निशान भी मिले हैं। मकान मालकिन की शिकायत पर चाइल्डलाइन की टीम के द्वारा मासूम को रेस्क्यू कर CWC में पेश किया गया। बिलासपुर में कांग्रेसियों ने सोमवार को SCCL मुख्यालय को घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में हल्ला बोल प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेसियों ने नॉन पावर कंपनियों को कोयला नहीं देने को लेकर अपना आक्रोश जताते हुए SCCL की पक्षपाती नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए परिसर में घुसने का भी प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प हुई। धमतरी जिले की नगरी पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ सोमवार को 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी एक बोरी में रखकर खाल को बेचने के लिए निकले थे। इसी दौरान साइबर सेल की टीम की मदद से पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। बरामद खाल की कीमत 10 लाख रुपए है। बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित नगर निगम के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डकैती हो गई। देर रात घुसे डकैतों ने प्लांट के 2 गार्ड को पहले बंधक बना लिया, फिर उन्हें जमकर पीटा। इसके बाद अंदर लगे ट्रांसफार्मर से 2 लाख रुपए का कॉपर ले उड़े। जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में पटवारी के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने मिलकर पटवारी को जान से मारने की धमकी दी थी, फिर उसके साथ मारपीट कर उसका गला भी दबा दिया था। जांजगीर में देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से हुआ। चालक पहले से ही को दुर्घटना कर भाग रहा था, उसी में उसमें बाइक सवारों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जशपुर जिले में एक टीचर ने ही बेरोजगार युवक को ठग लिया। टीचर ने उससे कहा था कि मैं तुमको भी टीचर बनवा दूंगा, फिर से 1,10,000 रुपए लेकर टालमटोल करने लगा और उसने युवक की नौकरी नहीं लगवाई। युवक की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र में 12 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आरोपी उसका पड़ोसी ही निकला, जिसने पुरानी रंजिश के चलते मासूम की जान ले ली। राजनांदगांव शहर के पेंड्री में बरगाही से लगे बांध के पास स्ट्रीट लाइट के नीचे जमी जुए की फड़ में लालबाग पुलिस चौकी ने रेड करते हुए 17 जुआरियों को पकड़ा है। जुआरियों के पास से नगद 1.5 लाख रुपए के साथ 6 मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए तस्कर लग्जरी कारों में शराब का अवैध परिवहन कर रहे हैं। डोंगरगढ़ क्षेत्र में बोर तालाब में आबकारी की टीम ने एक ऐसा ही मामला पकड़ा है। हालांकि आबकारी की टीम को देखकर तस्कर गाड़ी छोड़कर भाग निकले। आबकारी की टीम ने लग्जरी कार से मध्य प्रदेश की 40 पेटी विदेशी शराब जब्त की है। बेमेतरा जिले के कंडरका चौकी पुलिस स्टाफ को पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि 3 व्यक्ति ग्राम पिरदा में रायपुर से चोरी की मोटरसाइकिल बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश कर रहे हैं, जिस पर कंडरका स्टाफ मौके पर पिरदा चौक पहुंचा तो संदेही पुलिस को देखकर मौके से भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर 3 आरोपियों को धर दबोचा गया। जगदलपुर में सोमवार तड़के बारातियों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर हैं।
पुलिस ने सभी घायलों को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने गृह मंत्री पर पलटवार में मारपीट का वीडियो जारी किया है। गृह मंत्री को टैग करते हुए मूणत ने ट्वीट कर लिखा है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा सत्ताधीश आप, सरकारी आप, पुलिस भी आपकी, गुंडे भी आपके। वीडियो में आप सुन सकते हैं कि पूर्व मंत्री मूणत हाथ नहीं लगाना कहते नजर आ रहे हैं। नाबालिग से रेप के आरोपी युवक को कांकेर जिले की चारामा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहां जमानत नहीं होने पर उसे जेल भेज दिया गया। पीड़िता ने थाना चारामा में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी से 4 फरवरी की शाम आरोपी ने दुष्कर्म किया था। रायपुर के फॉरेस्ट कॉलोनी में टहल रहे युवक से राजा तालाब कमीत चौधरी पेट में चाकू टिकाकर मोबाइल एवं नकदी रकम लूटकर भाग निकला। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी की तलाश में जुट गई है।